हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ वीडियो देख के ही अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें और एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूनिट 3 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इनवेरियंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इनवेरियंट प्रूफ करना है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आखिरकार क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ये स्टेट करता है कि फॉर टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइडिंग इन एन आइसोलेटेड मीडियम द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। मींस अगर दो बॉडीज आइसोलेटेड मीडियम में आपस में कोलाइड करेंगे, तो उन दोनों बॉडीज की जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले थी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जो है वो बाद में रहेगी। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी का सम है दोनों ऑब्जेक्ट्स का आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, अगर वो कोलाइड कर रही है तो वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। और इनवेरिएंट का क्या मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ओबे होता है, हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होता है। तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आज हम प्रूफ करेंगे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो इनवेरिएंट होता है हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो सबसे पहले आपको कंसिडर करने पड़ेंगे दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसकी तीन एक्सिस होंगी, इसको तीन एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से, और ये होगा उसका ओरिजिन ओ। साथ ही साथ आपको एक और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि इनिशियली इस पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ कंसाइड कर रहा होगा। मींस जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसकी तीनों एक्सिस एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम, पहले वाले इनर्शियल फ्रेम की एक्सिस एक्स वाई जेड के साथ कंसाइड करनी होगी, और दूसरे फ्रेम का जो ओरिजिन होगा ओ प्राइम वो पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ के साथ कंसाइड कर रहा होगा। यहाँ पर हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं, पहला लिया है एस, दूसरा लिया है एस प्राइम। तो स्टूडेंट्स, ये जो थी, ये थी इनिशियल कंडीशन एट टी इज इक्वल टू जीरो। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, पहला जो फ्रेम था एस फ्रेम वो रेस्ट में रहेगा, जबकि दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी के साथ अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। तो आफ्टर टाइम टी क्या सिचुएशन बनेगी, सिचुएशन होगी ये है पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट में ही है एस फ्रेम, जबकि दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो थोड़ा डिस्टेंस मूव कर चुका होगा अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आफ्टर सम टाइम टी। ये सिचुएशन है एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें दो ऑब्जेक्ट कंसिडर करने पड़ेंगे। हम यहां पर दो बॉल्स ले लेते हैं, बॉल ए बॉल बी, जो ऐसे मूव कर रहे हैं, ये इधर जा रही है और ये इस साइड आ रही है। तो दोनों बॉल जो हैं वो कोलाइड करेंगी करेंगी, तो इन बॉल्स की कुछ काइनेटिक एनर्जी पहले होगी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, और कुछ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी। उन दोनों काइनेटिक एनर्जी जितनी बिफोर होगी एंड जितनी आफ्टर होगी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वो सेम रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, हम कैसे प्रूफ करेंगे यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो इनवेरिएंट होता है, और आप एग्जाम में थ्योरी में इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आएंगे इस टॉपिक में, आइए वो देख लेते हैं। और आप एक बात ध्यान रखेंगे, आपको एग्जाम में सिर्फ यही डायग्राम ड्रॉ करके आना है, ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि पहले जो इनिशियल फ्रेम्स थे वो कंसाइड कर रहे थे, और कुछ टाइम के बाद पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट में रहेगा, जबकि ये वाला फ्रेम जो सेकेंड फ्रेम है एस प्राइम वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा। और स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसका थ्योरी पोर्शन। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसका थ्योरी पोर्शन। कंसीडर टू बॉल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। हमने यहां पर दो बॉल्स ले ली, m1 जिसका मास, पहली बॉल का मास m1 है a बॉल का, और दूसरी बॉल का मास है m2। दोनों जो है वो ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ताकि ये कोलाइड हो सके आफ्टर सम टाइम।
Let u1 and u2 is equal to velocity of balls A and B before collision WRT observer O of frame S. स्टूडेंट्स हम ये मान के चलेंगे कि एक ऑब्जर्वर फ्रेम S में खड़ा हुआ है और एक ऑब्जर्वर फ्रेम S प्राइम में खड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम ऑब्जर्वर को कहीं भी मान सकते हैं कि वो कहीं भी सिचुएटेड है, कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस S के अंदर हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से फ्रेम S प्राइम के अंदर हम ऑब्जर्वर को यहाँ भी कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स अपनी सुविधा के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, सिंपलिसिटी के लिए, इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि जो फ्रेम S का ऑब्जर्वर है वो इसके ओरिजिन O पे खड़ा हुआ है। इसी प्रकार से फ्रेम S प्राइम का जो ऑब्जर्वर है वो O प्राइम पर खड़ा हुआ है। मीन दो ऑब्जर्वर है, एक यहाँ पर इसके ओरिजिन पर, एक इसके ओरिजिन O प्राइम के ऊपर, और दोनों ऑब्जर्वर जो है वो कोलिजन ऑफ बॉल्स के इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है फ्रेम S के ओरिजिन के ऊपर, उसके लिए इन दोनों बॉल्स की जो इनिशियल वेलोसिटीज जो लिए हैं हमने बिफोर कोलिजन, वो लिए हैं हमने u1 एंड u2। लेट v1 एंड v2 वेलोसिटी ऑफ बॉल्स A एंड B आफ्टर कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O ऑफ फ्रेम S। जब ये कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद ये सेपरेट हो जाएंगी और इनकी जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो जाएंगी, और जो ऑब्जर्वर O पे खड़ा हुआ है और उसके लिए आफ्टर कोलिजन बॉल A की वेलोसिटी होगी v1 और बॉल B की वेलोसिटी होगी v2 आफ्टर कोलिजन। Therefore, in frame S, according to law of conservation of energy, अगर हम frame S के respect में law of conservation of energy apply करें इस system के ऊपर, इस isolated system के ऊपर, तो हमारे पास क्या law of conservation energy क्या कहता है? Total energy of balls A and B before collision is equal to total energy of balls A and B after collision. अगर ball B का mass m1 है और ये u1 initial velocity से move कर रहा है before collision, तो इसकी energy कितनी होगी? वो होगी half m1 into velocity का square, जो इसकी velocity है ball A की before collision वो है u1, तो u1 का square आ जाएगा। इसी प्रकार से ball B2 की velocity होगी half into mass, ball B का mass है m2, और जो इसकी velocity है before collision with respect to frame S की बात कर रहे हैं अभी हम, वो है u2 square equal to half after collision ball A की velocity energy कितनी होगी? half m1 into v1 का square प्लस बॉल बी की आफ्टर कोलिजन कितनी एनर्जी होगी फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में? हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर। तो ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दिया है इस सिस्टम के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, और हमें मिल गई है इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स ये तो अभी मैंने बात करी, इस सिस्टम को फ्रेम एस के नजरिए से हम देख रहे थे, तो हमारे पास क्या क्या हमें लिखना पड़ा, क्या क्या इन बॉल्स की वेलोसिटी थी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, और क्या से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके कैसे इक्वेशन नंबर 1 निक ऑब्टेन करी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। अब हम बात करेंगे इस ऑब्जर्वर के लिए, ओ प्राइम ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रेम एस प्राइम में खड़ा हुआ है और फ्रेम एस प्राइम जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास दो बॉल्स हैं उसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटीज होंगी इस ऑब्जर्वर के लिए बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, जो इनकी वेलोसिटीज होंगी बॉल ए एंड बी की और ऑब्जर्वर ओ प्राइम के लिए, वो इस ऑब्जर्वर से डिफरेंट होंगी, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है वो वेरिएंट क्वांटिटी होता है। जो वेलोसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने के साथ चेंज हो जाती हैं, और हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब ड्राइव करी थी इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर इस ऑब्जर्वर के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है सपोज कीजिए, इस ऑब्जर्वर के लिए इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर u है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए इसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी u प्राइम, और u एंड u प्राइम हमने रिलेशन ड्राइव किया था, u प्राइम इक्वल टू u माइनस v, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये दोनों फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज को इंटर रिलेट करता है ये इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स बॉल ए एंड बी की जो वेलोसिटीज होंगी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन ओ प्राइम के रिस्पेक्ट में, वो डिफरेंट होने वाली हैं और वो आपको लेट करनी पड़ेंगी। आइए देखते हैं आप क्या क्या लेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे। लेट u1 प्राइम एंड u2 प्राइम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल्स ए एंड बी बिफोर कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ प्राइम ऑफ फ्रेम एस प्राइम। देखिए स्टूडेंट्स बॉल ए एंड बी की जो वेलोसिटीज होंगी बिफोर कोलिजन इस ऑब्जर्वर के लिए जो ओरिजिन ओ प्राइम पे खड़ा हुआ है, मूविंग फ्रेम एस प्राइम के ओरिजिन पर खड़ा हुआ है, उसके लिए जो बॉल ए एंड बी की वेलोसिटीज होंगी बिफोर कोलिजन वो हमने लेट की है u1 प्राइम एंड u2 प्राइम, जो कि u1 एंड u2 से डिफरेंट होंगी। u1 u2 बॉल ए एंड बी की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन इस ऑब्जर्वर के लिए, बट यहां पर हमें डिफरेंट लेनी पड़ेंगी क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेरिएंट होती है, हमें डिफरेंट वेलोसिटी जो है अज्यूम करनी पड़ेगी यहां पर दोनों बॉल्स की। v1 प्राइम एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल्स ए एंड बी बिफोर आफ्टर कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ प्राइम ऑफ फ्रेम एस प्राइम।
दोनों बॉल्स कोलाइड करेंगे इनकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएंगी और वो वेलोसिटी जो होंगी आफ्टर कोलिजन इन दोनों बॉल्स की इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ओ प्राइम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो होंगी v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। अब हम u1 प्राइम एंड u1 में रिलेशन देखेंगे एंड u2 प्राइम एंड u2 प्राइम में रिलेशन देखेंगे। सिमिलरली हम v1 प्राइम एंड v1 में रिलेशन देखेंगे और v2 प्राइम एंड v2 प्राइम में रिलेशन लिखेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे इस इक्वेशन को यूज करके, गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करके। u प्राइम की जगह आ जाएगा हमारे पास u1 प्राइम और u की जगह आ जाएगा u1 और माइनस v जो है वो ऐसे रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड फ्रेम है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ये वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से सेकेंड फ्रेम जो है वो x एक्सिस की तरफ मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड इक्वेशन इसी प्रकार से फॉर्म करेंगे, इसी इक्वेशन को यूज करके अब u प्राइम की जगह हम लिखेंगे u2 प्राइम इक्वल टू u की जगह लिखेंगे u2 माइनस v और ये होगी थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से v1 प्राइम एंड v1 में रिलेशन लिख सकते हैं हम, v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 माइनस v, v2 प्राइम इज इक्वल टू v2 माइनस v। फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन होगी, सारी जो चारों इक्वेशन हैं ये वाली सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो हमने इस फॉर्मूले को यूज करके लिखी हैं, गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करके लिखी हैं, जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आपस में रिलेट करती है ये इक्वेशन। तो यहाँ पर भी हमने इन चारों वेलोसिटीज को u1 एंड u1 प्राइम, u2 एंड u2 प्राइम, v1 एंड v1 प्राइम, v2 एंड v2 प्राइम को आपस में रिलेट कर दिया इस इक्वेशन को यूज करके। तो स्टूडेंट बाकी बचा हुआ जो डेरिवेशन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आप उसमें क्या लिख के आएंगे। Therefore, in frame S prime, according to law of conservation of energy, total energy of ball A and B before collision is equal to total energy of ball A and B after collision. अब हम frame S prime के respect में law of conservation of energy apply करने जा रहे हैं, जो हमें ये कहता है कि जो energy का sum इन दोनों balls का before collision होगा, वही इन दोनों balls के energy का sum after collision होना चाहिए। तो students, अब हम total energy निकालेंगे ball A and B की before collision with respect to observer O prime. तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? Energy ball A की कितनी होगी? Before collision half m1 और velocity जो थी before collision O prime के respect में A ball की velocity थी u1 prime square plus second ball की energy before collision हम s prime के respect में निकाल रहे हैं। तो हर एक velocity के ऊपर prime का symbol जरूर लगाएंगे। After collision ball A की कितनी energy होगी? half m1 v1 prime square plus half m2 v2 प्राइम स्क्वायर, क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन बॉल्स की v1 प्राइम थी एंड v2 प्राइम थी o प्राइम के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारी सिक्स्थ इक्वेशन, जो पहले हमने पांच इक्वेशन फॉर्म की थी वो मैंने यहां पर लिख दी है। अब देखिए स्टूडेंट्स u1 प्राइम की वैल्यू हमें पता है, u1 प्राइम की वैल्यू है u1 माइनस v, u2 प्राइम की वैल्यू हमें पता है u2 माइनस v, v1 प्राइम की वैल्यू हमें पता है v1 माइनस v, v2 प्राइम की वैल्यू हमें पता है v2 माइनस v। तो हम सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन को यूज करेंगे सिक्स्थ इक्वेशन के अंदर यूजिंग 2, 3, 4 and 5 in 6। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, हाफ m1 u1 प्राइम की वैल्यू है u1 माइनस v का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 प्राइम की वैल्यू है u2 माइनस v ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाएंगे इक्वल टू हाफ m1, v1 प्राइम की वैल्यू है हमारे पास v1 माइनस v ऊपर स्क्वायर प्लस हाफ m2, v2 प्राइम की वैल्यू हमारे पास v2 माइनस v ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाएंगे। अब हम यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर सारे टर्म्स के अंदर, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी और जो बाहर टर्म्स हैं उनको साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए कर लेते हैं, हाफ m1 u1 a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो u1 का स्क्वायर करेंगे तो u1 स्क्वायर आएगा, साथ में हाफ m1 है तो वो भी लगा देंगे, प्लस b का स्क्वायर करेंगे और साथ में ये भी लगा देंगे और साथ में ये मल्टीप्लाई होगा हाफ m1 और साथ में 2ab जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2u1 into b प्लस हाफ, यहां भी लगा देते हैं m2 u2 ये ऊपर वाला स्टेप है यहां तक, उसके बाद स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर और माइनस हाफ m2 इंटू 2u2v इक्वल टू, ऐसे यहां पे अप्लाई कर देते हैं सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई करके। हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बहुत आसानी से अपने आप कर सकते हैं,
माइनस आएगा। तो हम ब्रैकेट्स को सिंपलीफाई कर रहे हैं जस्ट। अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म इसमें कैंसिल हो रही है। तो पहली जो टर्म जो कैंसिल होगी वो होगी हाफ एम वन वी स्क्वायर, यहां पर भी है यहां पर भी है। दूसरी जो टर्म जो कैंसिल होगी वो होगी हाफ एम टू वी स्क्वायर, यहां भी है और यहां भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है राइट हैंड साइड में भी है। जो बाकी टर्म्स बचे हैं वो लिख लेते हैं अब। हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, प्लस वाली टर्म ढूंढते हैं पहले, ये वाली हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, और ये जो टर्म बची है ये वाली माइनस वाली, और ये वाली टर्म जो बची है माइनस वाली। यहाँ टू से टू कैंसिल कर देते हैं, टू से टू कैंसिल कर देते हैं, जहां जहां टू लिखा हुआ है कैंसिल कर दिया। और अब जो टर्म बची है यहां पर, इनमें से माइनस वी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा एम वन यू वन, और यहां बचेगा प्लस एम टू यू टू, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इक्वल टू में आपके पास बचेगा, जो आप करके देखेंगे इसको, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर बचेगा प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर बचेगा, और जहां जहां टू कैंसिल हुआ है, ये यहां से टू कैंसिल हुआ है, यहां पे टू कैंसिल हुआ है, इन दोनों में से भी v कॉमन आएगा माइनस v, अंदर बचेगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स यही एक चीज है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये है इन दोनों बॉल्स के मोमेंटम का सम बिफोर कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, और ये क्या है m1 v1 प्लस m2 v2, ये है दोनों बॉल्स के मोमेंटम का सम आफ्टर कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। और हमने पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इनवेरियंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अंडर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, कि जो मोमेंटम होता है वो हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंजर्व रहता है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ द टू बॉल्स इन फ्रेम s विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ द टू बॉल्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। तो स्टूडेंट ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो यहां पर हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्योंकि माइनस वी तो ऑल दोनों के साथ है, और ये टर्म जो है आपस में इक्वल होंगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर बचेगा। अभी देखिए किसके, ये कौन सी इक्वेशन है, ये किसके बराबर आ गई है, ये फर्स्ट इक्वेशन के बराबर आ गई है, विच इज सेम एज इक्वेशन वन। तो स्टूडेंट्स हमने सिक्स इक्वेशन से शुरू किया था सॉल्व करना, और हम फर्स्ट इक्वेशन पर पहुंच गए हैं। हमने सिक्स इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया था फ्रेम एस प्राइम के रिस्पेक्ट में, हम पहुंच गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में पहुंच गए हैं फर्स्ट इक्वेशन पर। तो हम ये देख सकते हैं कि जो सेकंड फ्रेम में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के बाद इक्वेशन आई थी, उसको हम, उससे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं जो हमने फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में अप्लाई की थी। इससे प्रूव होता है कि जो एनर्जी होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, वो इनवेरिएंट रहता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद आप एक लाइन लिख सकते हैं कि हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपका यहां तक खत्म होता है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।